उस बहेलिए ने किया जो अगले जन्म में निषाद राज गोह बना। भगवान नारायण ने और ब्रह्मा ने एक महीने तक रेगुलर भगवान शिव की पिंडी का अभिषेक किया, पूरे एक महीने तक दिन और रात भोजन पानी त्याग करके दिन रात पूजन किया। भगवान भोलेनाथ प्रगट हो गए और कहा के ब्रह्मा और विष्णु, तुमने मेरी बात को श्रवण करके पूरे एक महीने तक मेरा अभिषेक किया है, जाओ आज से ये पूरा एक महीना श्रावण का महीना कहलाएगा। और ब्रह्मा विष्णु से कहा, तो मृत्यु लोक में जाकर के हमारी सेवा आराधना करोगे, इसलिए एक महीने तक भगवान शिव की पूजा का इतना फल होता है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु 11 महीने भले वैकुंठ में रहे पर एक महीने मृत्यु लोक में किसी ना किसी रूप में इस धरती पर निवास करते हैं, इसलिए उस महीने का नाम ही श्रावण का महीना हो गया। इसलिए इतनी आराधना का फल है शंकर जी की, अनंत फल होता है श्रावण के महीने में। 11 महीने से पूजन में शिववास देखा जाता है, पर श्रावण के महीने में शिववास का योग नहीं लगाया जाता। किसी भी दिन पूजा कर लो, बाकी तो आपको शिववास मैंने लिखवाया था वो देख के पूजा करनी है। एक महीने तक भगवान शंकर शमशान घाट नहीं जाते हैं, मृत्यु लोग में आके ब्रह्मा विष्णु की पूजा को स्वीकार करते हैं, बाकी तो फिर शंकर जी को बुलाना पड़ता है, आवाहन करके प्रतिष्ठा करवाते हैं। पर श्रावण में कहीं भी कंकड़ पत्थर भी पड़ा हो तो वो भी भगवान शंकर स्वरूप में पूजा कर दो तो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बाकी तो हमारे आचार्य लोग प्रतिष्ठा करवाते ही हैं, असै प्राणा प्रतिष्ठं तु असै प्राणाचंतु जो असै देवंतमाचार्य माम हेति च कश्चन श्री भगवत साम सदा शिवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बुलाएंगे पर श्रावण में भगवान शिव की जहां आराधना करो। आगे आप कथा सुनोगे, कंकड़ पत्थर में तो भगवान शिव हैं, पर एक ऐसा राजा था जिसको एक राक्षस ने बंद कर लिया, शिव जी का अनन्य भक्त था, उसने अपने मूठे से भगवान शिव को प्रकट किया। स्पष्ट से पुराण में लिखा है कि अगर कोई भगवान का भक्त शिव जी का बड़ा अनन्य भक्त हो, सफर में हो और उसे कहीं शिव पिंडी ना मिल गई हो, तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा इन दोनों उंगलियों के बीच में लगा ले और ऐसा हाथ करके उस पे भी अगर जल चढ़ा दे तो उसको शिव की पिंडी पे जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। आगे आप कथा सुनेंगे, उस राजा की बड़ी प्यारी चर्चा है। और भगवान शिव तो कंकड़ शंकर है, उसका एक प्रमाण देखो। एक बार नारायण लक्ष्मी दोनों चले जा रहे थे, चलते चलते लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप इतने संभल के क्यों चल रहे हो, इतने संभल के चलने का क्या कारण है। भगवान बोले, लक्ष्मी एक बात बताए, संसार का जो व्यक्ति है उसकी दृष्टि यहां तक शुद्ध हो गई है कि उसको नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है। हमारी दृष्टि कहां तक है, नर्मदा के कंकड़ में हमें शंकर का दर्शन होता है। और कहावत भी है, नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। और शिव की पिंडी 5 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना, शिव पिंडी कितने प्रकार की होती है, 5। सबसे पहले स्वयंभू शिव, सबसे पहले शिव कौन है, स्वयंभू। दूसरे हैं बिंदु शिव, तीसरे हैं प्रतिष्ठित शिव, चौथे हैं चर शिव, और 5वें हैं गुरु रूप शिव। 5 प्रकार की शिव पिंडी के नाम रखे गए। स्वयंभू कौन, जो स्वयं पृथ्वी फाड़ के प्रकट हुए हो उनको स्वयंभू कहा जाता है।
बिंदु शिव कौन है? और पंचाक्षरी मंत्र की जो व्याख्या उसमें लिखा है, ओंकार बिंदु संयुक्तम, तो बिंदु शिव किसको कहोगे? बिंदु शिव प्रतिमा उनको कहा जाता है, जैसे कोई सुनार चांदी पे शिव की पिंडी को उभार दे, सोने की बना दे, कोई फोटो कैमरे से खींच ले, उस फोटो को बिंदु शिव कहा जाता है। कोई कलाकार दीवार पे चित्र बना दे, वो बिंदु पिंडी कही जाती है। प्रतिष्ठित शिव कौन है? बोले जहां पंडित जी आचार्य लोग पूरी क्रिया करके अन्नादि वास, जलादि वास, वस्त्रादि वास, द्रव्यादि वास, पुष्पादि वास, मिष्ठान आदि वास, औषधि स्नान और फिर हजारा घट से अभिषेक करा के जो प्रतिष्ठित करवा दे, मतलब जो जहां प्रतिष्ठित है वहां से उठेगी नहीं फिर वो पिंडी कभी, वो प्रतिष्ठित से पिंडी कहलाती है। चल सिर्फ कौन है? जो चल सके, मतलब कई बार चाहे हमारे घर में पारे के शिव हो, चाहे पीतल के हो, तांबे के भी शिव पिंडी बनती है, स्फटिक के भी शिव होते हैं, नर्मदेश्वर भी होते हैं, मिट्टी के भी लोग शिव बना लेते हैं। मतलब आज इस कमरे में पूजा कर ली, फिर थोड़ी अभिव्यवस्था हुई तो उठा के उस कमरे में रख ली, वो होते हैं चर सिर्फ जो चल सके। और गुरु सिर्फ कौन होते? मैंने आप पहले दिन बताया था कि गुरु के दाहिने पांव के दाहिने अंगूठे के नीचे शिव पिंडी का वास होता है। ये पांच सिर कहे गए हैं, इन पांच सिर की प्रतिमाओं का वर्णन ग्रंथों में आया है। कहीं अगर शिव जी ना भी मिले तो अपने खुद के अंगूठे को इन दोनों उंगलियों के बीच में फंसा करके शिव पिंडी बनाकर इस पे भी जल चढ़ाने से आपको शिव जी को जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है कि लोगों को नर्मदा के कंकड़ में शंकर देखते हैं? भगवान बोले देवी संसार को नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो हर कंकड़ में शंकर दिख रहा है, मुझे तो कंकड़ कंकड़ में भगवान नजर आ रहे हैं, तो मैं उनको बचा के चल रहा हूं कि किसी कंकड़ पे मेरा पांव ना पड़ जाए। लक्ष्मी ने कहा ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति यहां से हमसे शर्त लगा के जाए कि महाराज जी हम स्टैंड तक जाएंगे और हमारा किसी कंकड़ पे पांव नहीं पड़ेगा? अरे वो तो ठीक है, यहां से आप बड़े महादेव मंदिर तक चले जाओ नंगे पांव और हमसे आके कहो कि हमने किसी भी कंकड़ पे पैर नहीं रखा, ये हो सकता है? नहीं, तो असंभव बात है। लक्ष्मी बोली प्रभु कभी ना कभी किसी ना किसी कंकड़ पे आपका पैर पड़ जाएगा, अपराध होगा। नारायण ने कहा देवी अब आज के बाद नहीं पड़ेगा। पार्वती ने कहा, लक्ष्मी ने कहा पड़ेगा। नारायण बोले तो देखती जाओ देवी। और नारायण खड़े खड़े ही सर्प बन गए, सांप के पांव ही नहीं होते। अब जब पांव ही नहीं है तो कंकड़ में सांप का पांव कैसे पड़ेगा जब है ही नहीं जो चीज। अब देखते ही देखते जैसे मेरे नारायण सर्प बने, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए सामने, हाथ जोड़ के बोले भा प्रभु हमारे प्रति आपका इतना आनंद भाव कि आप मेरे कारण सर्प की योनि में चले गए, तो जाओ जब आप हर कंकड़ में मुझे देखते हो और आपका पैर मुझ पे नहीं पड़ेगा तो मैं भी आज के बाद आपको किसी कंकड़ पे चलने नहीं दूंगा। और वही सर्प उठाकर भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में धारण कर लिया। भोलेनाथ के गले में जो सर्प है वो और कोई नहीं साक्षात मेरे नारायण ही है। हरि हरा मत दोनों है, हरि और हर दोनों भी राजे। भगवान शिव परम कल्याण करने वाले हैं, परम कल्याण। और एक बात और बता दें, जो लोग कहते हैं
कि हमारे ऊपर बहुत दिक्कत है, हमारे ऊपर बहुत परेशानियां हैं, महाराज हमें कुछ उपाय बताओ। एक बार भगवान शंकर का परिवार देखना और समाधान देखना। शिव जी कहते हैं जीवन है तो समस्या आएगी, पर करना क्या है। शंकर जी एक शब्द में कहते हैं,